गाइस, दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग एंड अभी मैं नील स्क्रीन का हूँ। तो होप मैं ये व्लॉग सही से एडिट करके यूट्यूब में पोस्ट कर दूँ। एंड हम लोग फैमिली मिलकर जा रहे हैं सुंदरबन, तो कोशिश करूँगा अच्छा व्लॉग बनाऊँ एंड पोस्ट करूँ, क्योंकि बहुत दिन से यूट्यूब में कुछ मैं भेजा नहीं हूँ, तो इसलिए ठंडा ठंडा पानी से ब्रश हो चुका है एंड सब करेंगे, कार पकड़ेंगे फिर जाएंगे स्टेशन। तो जल्दी जल्दी ड्रेसअप कर लेते हैं एंड कौन कौन जाएगा, हम लोग हमारे फैमिली जाएगा एंड कुछ रिलेटिव जाएगा, तो देखते हैं कितना मजा होता है। एंड पहले टाइम व्लॉग करूँ तो एडिट वगैरह, एंड मेरा कैमरा इस साइड में है, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में, तो इस में ध्यान मत दो। धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो अच्छा ब्लॉगर बन जाऊंगा। सो गाइस, हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो चुका है एंड हाथ में बैग चला आया है। मम्मी पापा अभी तक रेडी हो रहा है, जा रहा है सामने की जो कार खड़ा है, जिधर उधर जाएंगे कार में बैठेंगे फिर स्टेशन, एंड देखते हैं, कोशिश तो करेंगे एकदम बढ़िया सब वीडियो बनाने का। ठीक है, कार में मिलते हैं। तो जरूरी बात गाइस, मैं मास्क पहना हूँ, कोरोना के टाइम मास्क पहनना बहुत जरूरी है, एंड जब चश्मा पहनता हूँ तब मास्क नहीं पहन रहा हूँ, क्योंकि जब सांस लेता हूँ तब चश्मे में सफेद सफेद हो रहा है, तो इसलिए चश्मा मत पहन रहा हूँ, स्टाइल है ना इसलिए। तो बट ऐसे टाइम में तो मैं मास्क पहनूंगा, क्योंकि यार घूमने जा रहा हूँ अच्छा बात है, बट कोरोना हो जाएगा तो फिर खराब बात हो जाएगा। सो गाइस, कार में आ चुके हैं एंड इतना सारा लोग जा रहे हैं, हमारा कार है एंड कार से जाएंगे जादवपुर स्टेशन, उधर से पकड़ेंगे कैनिंग का ट्रेन, फिर लॉन्च वगैरह है, रिवर वगैरह क्रॉस करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, तो जाने में मजा आएगा। जो हाई रोड है स्टार्ट हो चुका है एंड इधर से हम लोग जाएंगे डायरेक्ट सुंदरबन की तरफ एंड देखते हैं रास्ते में क्या क्या दिखने को मिलता है। वी फाइनली रीच आवर डेस्टिनेशन बट नॉट सुंदरबन, बिकॉज इधर हम लोग एक दिन रहेंगे, इधर हम लोगों का एक रिलेटिव का घर है एंड इधर ज्यादातर बंदा कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है, सब लोग बोल रहा है इधर कोरोना वगैरह नहीं है, कोरोना वगैरह कुछ इधर आया भी नहीं, तो एक दिन के लिए हम लोग इधर रहेंगे एंड बीच में प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो आप सबको मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग आना था हम लोगों को ट्रेन से, ठीक है, बट बीच रास्ते में मैं सुन रहा हूँ कि नहीं, हम लोग पूरा गाड़ी से ही जाएंगे, पीछे हम लोगों का कार खड़ा है एंड पूरा अभी इतना दूर तक 4 आवर्स के रास्ते थे, उसमें हम लोग पूरा कार से ही आए। ये एरिया बहुत ही सुंदर है, गांव टाइप विलेज एरिया एंड बहुत बढ़िया जगह है विलेज टाइप, मैं एक बार आप सभी को व्यू दिखा रहा हूँ। गाइस देख ही पा रहे हो कितना सुंदर जगह है, जितना भी शहर का बंदा है उन सबको तो यार विलेज एरिया अच्छा ही लगता है। इधर खेत खेत है, इधर थोड़ा सा एक नाला है, बहुत ही सुंदर जगह। मैं ये सब हम लोगों के साथ है, ये हमारा कार था एंड हमारा फैमिली, बहुत ही सही है, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। गाइस हम लोग इधर आए थे एंड हम लोगों को एकदम पूरा गमला भर के
ये फल दे दिया है, ये फल बंगाली में बोलता है शोबेदा, बट हिंदी में क्या बोलता है मुझे नहीं पता, तो गाइस ट्रांसलेट कर लेना। तो भर भर के ये दिया है। एंड इधर हम लोगों का कुकिंग हो रहा है पूरा एकदम देसी मुर्गी। अभी गाइस हम लोग माछ पकड़ने जा रहे हैं एंड देखते हैं माछ हम लोगों को मिलता है कि नहीं। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट वीडियो कर रहा हूँ। নিচে নিচে জলে তাল গাছে পাতা পাতা আছে দেখো। তাল গাছটা কোথায়? ইয়ে বলা আঙ্কেল খেজুর का रस निकलने जा रहा है, खेजूर का रस भी खाएंगे आज हम लोग। एक्चुअली आज नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, क्योंकि कल इकट्ठा हो जाएगा खेजूर का रस एंड कल सुबह खाएंगे। एक बार ताकन ठीक है जी। इधर माच आई थिंक हो सकता है। দেখো তুমি কি ধরবে, তুমি পড়লো না আটকে গেল না, পড়েছে কিন্তু সেরকম ভাবে গুছিয়ে পড়ি। इधर कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट देख रहा हूँ एंड वीडियो कर रहा हूँ आप सबके लिए। एट लास्ट बहुत सारा माछ हम लोगों को मिल गया है। इतना देर से माछ माछ कर रहा हूँ, एक्चुअली मछली होगा हिंदी में। समझ जाओ गाइस। तो इतना सारा मछली हम लोगों को मिल चुका है, देख के ही मजा आ गया। हम लोग अभी जंगल में मंगल करने जा रहे हैं, मतलब खेत देखने जा रहे हैं। इसको देखते खेत मतलब मेरे जो मामा का घर है उधर में बहुत खेत वगैरह इधर उधर घुमा दूँ, मेरे लिए नया कुछ नहीं है, बट फिर भी एक अलग मजा है खेत में जाने, खेत में घूमना। पूरा हम लोगों का फैमिली आया है। বেগুন না কি এটা? ছি, মতলব রাইট মানে এই দিকটা। চ ঠিক আছে, इधर से एक छोटा सा पेड़ों का ही मतलब कुछ किया गया है दरवाजा टाइप्स। तो उसके अंदर से हम लोग सब एक जगह से दूसरे खेत में जा रहे हैं। तो देखो सब लोग आ रहा है कैसे करके। ए,
अभी खेत का जो धान है सब काट लिया गया है, तो इतना सब देखो धान काटा पड़ा है तो। बट अगर कुछ दिन पहले और कुछ मंथ पहले अगर आते थे तो देखते पूरा खेत भरा भरा रहता था, एंड वो देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। सो गाइस आज है 25 दिसंबर, एंड इधर जो लोग डांस एंड गाना गा रहा है वो लोग है क्रिश्चियन, तो ये लोग जीसस की पूजा करता है। एंड आज के लिए ये लोग लोगों का घर घर जाता है, डांस दिखाता है, गाना गाता है, एंड उन लोगों से जो अच्छा लगता है, जो जितना दे सके पैसा, दाल चावल ये सब लेता है, एंड उससे ये लोग प्रसाद बनाता है, प्रसाद बना के लोगों को घर घर जाके देता है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, तो इसलिए ये एक नया चीज़ मुझे देखने को मिला, आप सभी को देखने के लिए रेडी हो चुका हूँ। एंड अभी हम लोग जाएंगे गौथली, एंड उधर से बोट में उठेंगे एंड जंगल घूमेंगे सुंदरबन, देखते हैं कुछ शेर वगैरह एंड क्रोकोडाइल कुछ दिखता है कि नहीं। नहीं देखेगा फिर भी बोल रहा है सब नहीं देखेगा, बट होप करते हैं कि कुछ दिख जाए, एंड रास्ते में अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दे तो तुम लोगों को जरूर दिखाऊंगा, एंड बोट में तो सारा सीन दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। इधर सुबह बहुत ठंड पड़ता है, चारों तरफ मतलब फॉग ही फॉग रहता है, एंड बहुत ही मजा आ रहा है। टोटो में हम लोग उठ गए एंड हम लोग गौथली के तरफ मतलब चल चुके हैं, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। ऐसे नया वाला सनग्लास बाय किया हूँ एंड मेरा वाला इसको दे दिया हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं बोट में, एंड बोट में जाके घूमेंगे पूरा सुंदरबन। तो ये हमारा बोट, इधर बहुत सारा बोट रहता है, छोटा बोट बड़ा बोट, तो ये वाला हम लोगों का पर्सनल बोट है, मतलब पर्सनल मतलब रेंट किया गया है, सिर्फ हम लोग ही रहेंगे इसमें। अब इधर से पूरा घूमेंगे सुंदरबन, याहू इतना सब लोग जा रहे हैं। ये लड़की को देखो, ये लड़की मेरा फोन गिरा दिया है, आप लोगों का ब्लॉग बर्बाद करता था ये लड़की। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, बोट हम लोगों का गाइस स्टार्ट हो चुका है, एंड इधर बहुत ही ज़्यादा ठंड ठंड हवा आ रहा है, जो एकदम मतलब क्या बोलूँ, धूप में खड़ा होना पड़ेगा मुझे बाहर जाके बोट के। ये है बोट का मतलब ग्राउंड एरिया, जिसमें आप लोग रेस ले सकते हो, सो सकते हो, मतलब नींद ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया एक मतलब रूम टाइप कर दिया गया है बोट के ग्राउंड फ्लोर जो है। इधर से आपका जो पानी है एकदम मतलब हाथ से आप पानी को पकड़ भी पाओगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही बोट है। गाइज आई थिंक आप लोगों को दूर में
छोटा छोटा सा बानर दिख रहा है। तो अभी तक आई थिंक 2 घंटा स्टीमर में हूँ, ये सिर्फ छोटा छोटा बानर ही सिर्फ दिखा है साइड में, और अभी तक कुछ दिखा नहीं है। अभी गाइस हम लोग जंगल में घुस गए हैं, इधर से शेर वगैरह दिखने को मिलता है बट अभी नहीं है, इसलिए देखो सारी जगह में नेट नेट करके रखा है कि शेर उधर से कूद के जहाज में ना आ जाए। इधर हम लोग अभी पैदल जाएंगे आई थिंक, तो हम लोगों को जाना होगा पैदल, उतरना पड़ेगा। लेट्स गो। আসুন রাজা, আপনাদের এখানে বাজে বাজে। कल हम लोग गए थे सुंदरबन, बट हम लोग को एक भी शेर देखने को नहीं मिला। शेर शेर माने की सिर्फ हरिन दिखा एंड थोड़ा बहुत बानर बस। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं किसी जगह में घूमने, एंड इसके बीच में मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब हो चुका है, बट क्या हुआ मैं बताऊंगा नहीं। तो फिर घूमने जाते हैं, देखते हैं उधर क्या मिलता है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो दिखाएंगे। एंड इधर का जो लोग है वो बोल रहा था कि 5 डेज का अगर ट्रिप करोगे तो तुमको शेर देखने को मिलेगा, बट
एक दिन का नहीं मिलता है क्योंकि बहुत जगह घूमने को होता है, फिर मतलब वही बात है, कुछ नहीं चारी तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल और हरिन, शेर को मिला नहीं। एक दिन अगर घूमोगे तो सुंदरबन कुछ नहीं दिखेगा हरिन छोड़ के। ठीक है, तो अभी ऑफ कर रहे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो दिखाऊंगा। हाँ मासी वाले ওখানটা এরকম আছে, জলটা অটোমেটিক কিনতে হয়, জল অটোমেটিক মানে জল দিতে হয় না, জল অটোমেটিকলি পড়ে। गाइस इधर मुर्गी जो है उसका फार्म होता है, जो हम लोग खाते हैं मुर्गी मुर्गा उसका फार्म होता है। इधर अभी मुर्गी नहीं है क्योंकि कल सुबह अगले दिन ये लोग मुर्गी लेके चला गया है, सब वो बेचेगा, बेच दिया है ऑलरेडी। इधर फार्मिंग होता है, ये जो दिख रहा है रेड रेड कलर की, इसमें वो लोग पानी पीता है, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, इसमें ऊपर से पानी ऑटोमेटिकली आता है, किसी को जाके देना नहीं पड़ता है, तो बस सही। एंड इधर गाइस आप देख पा रहे हो धनिया का चास हो रहा है, देख पा रहे हो कि नहीं पता, बट इधर ये पूरा जो हरा हरा चीज है ये पूरा धनिया है, धनिया। एंड ये जो मुर्गा देख रहे हो आप लोग, इससे होता है फाइटिंग, फाइटिंग वाला जो मुर्गा होता है ना जिसके ऊपर बेटिंग वगैरह करता है, ये थोड़ा सा इसका पैर लंबा होता है तो इससे फाइटिंग होता है, ये मुर्गा इधर भी चास होता है। अभी भी क्या देख रहे हो गाइस, ब्लॉग खत्म हो गया, अभी सिर्फ आप लोगों का एक ही काम बाकी है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब घूमने जाएंगे फिर बनाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।